हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमने जिसको इलेक्ट करके दिया उनको देखा तो वो मुझे बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए, इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे सियासत या राजकारण में आना चाहिए। बी सिंपल, मुझे इलेक्शन लड़ना था, MIM में तौफीक भाई शेख थे तो मुझे पता था कि इनके अपोज में लड़ना है। नगर सेवक चेंज हुए दो तीन, लेकिन रास्ता किसी ने नहीं बनाया। चौधरी को आने वाले इलेक्शन में जनता जीता कर देगी, ये आपको किस हद तक लगता है? तो आवाम का सर्वे ये कहता है कि MIM ताकतवर है वहां पर। ये तो तीन नगर सेवकों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं जब से आपको यही बोल रहा हूँ कि इन्होंने काम नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की ताकत ज्यादा है। अगर ताकत ज्यादा होती तो तौफीक भाई शेख एक बार हारते नहीं। तो इनको चेंज करना पड़ेगा ना, 15-20 साल से चांस दे रहे हैं इनको। बोले फारूक भाई ने कि टिकट देंगे, बोले मुसलमानों पर ऐसा क्यों आरोप लगाते बार बार कि भाजपा की बी टीम है, भाजपा या MIM पर नहीं ऐसा कुछ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, हमारे सदर साहब ने मिंबरे रसूल पर खड़ा होकर कहा मुसलमानों के लिए। अब मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं भाजपा के लिए काम नहीं करता हूँ, और इससे ज्यादा क्या बोले। बी टीम ने राष्ट्रवादी बीजेपी से, बीजेपी है भाजपा, बीजेपी प्लस राष्ट्रवादी। सोलापुर में आते नहीं आते मतलब फिर क्या, सोलापुर में राजकरण को अपना धंधा बना के तोड़ी मारी करके इससे के पैसे कमाए क्या हो?